जनपद मैनपुरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर प्राचीन भीमसेन मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव पर जल बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा आराधना की। मंदिर के महंत ने बताया कि आज के दिन प्राचीन मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। प्राचीन समय में अज्ञातवास में जब पांडव अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तब बिठूर जाते समय पांडव ने यहाँ रुककर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा आराधना की थी। इसी समय ईशन नदी का नामकरण हुआ, जो आगे जाकर बिठूर गंगा नदी में मिलती है। आज ही भीमसेन मंदिर में भगवान शिव परिवार, भगवान राम परिवार, गंगा दुर्गा काली बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ मंत्रोच्चारण करके की जा रही है। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा महंत आचार्य सर्वश्री साहबलाल तिवारी, सर्वश्री आचार्य अरविंद जी डूबे, आचार्य सर्वश्री सर्वेश कुमार मिश्रा, आचार्य सर्वश्री दीपा अंशु वाजपेयी, सर्वश्री आचार्य जगन्नाथ मिश्रा आदि ने विधिवंत संपन्न कराई। महंत जी, ये शिवरात्रि का महत्व क्या है, ये बताइए। शिवरात्रि का महत्व, भोलेनाथ शंकर जी का महत्व, आज के दिन बहुत बड़ा महत्व है। ये जिस समय समुद्र मंथन हुआ है, उस समय जो 14 रत्न निकले हैं, उन 14 रत्नों में विष भी निकला है। वो विष के लिए कोई देवता दैत्य तैयार नहीं हुए। उस समय भगवान शंकर जा करके वो विष लेकर के पान किया है, और वो पान करने में उन्होंने अपने कंठ में रख लिया है विष। विष जहर के वजह से इतने शरीर में इनके जलन पैदा होती थी, उसी लिए बेलपत्र का महत्व ये है कि बेलपत्र ये ठंडा होता है, तो बेलपत्र अति आवश्यक है। बहुत पावन पर्व है, इस पर्व को बहुत सही वर्ग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ है, उसमें 14 रत्न निकले हैं, 14 रत्नों में एक विष भी निकला है। उस विष के लिए न देवता तैयार हुए, न दैत्य तैयार हुए। उस समय भगवान शंकर का याद किया गया, भगवान शंकर आ करके और गरल को पान करके अपने कंठ में रख लिया विष को। विष के वजह से उनके शरीर में इतना ज्वलन पैदा होती है कि इसीलिए बेलपत्री और गंगा जल सदैव उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। आज के दिन इनके ऊपर एक दिपाही रख करके उस पर घड़ा रख दिया जाएगा, तो ये पूरा गर्मी भर सीजन भर चलता रहेगा। सावन जल का महत्व यही है, गंगा जल इन पर जो है चढ़ाने से मानव के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।